फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जो नया घर लेने का प्रोग्राम कर रहे हैं या ले चुके हैं और गृह प्रवेश की विधि देख रहे हैं। इसका मतलब आप नया घर ले चुके हैं या लेने वाले हैं। तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आपको बताते हैं कि नया घर लेते हैं तो मनुष्य के लिए अपना घर होना कोई भी सपने से कम नहीं होता। अपना घर यानी अपनी एक छोटी सी दुनिया जिसे हम अपने तरीके से सजाते हैं। पहली बार अपने घर में प्रवेश करने की खुशी कितनी होती है, इसे सब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, कई बार अचानक आपको आपकी ये दुनिया रास नहीं आती, घर में क्लेश होने लगता है और धीरे धीरे आपके सपने बिखरने लगते हैं। इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप अपने गृह प्रवेश के दौरान जाने अनजाने वास्तु नियमों का पालन न किया हो। इसलिए आप धार्मिक हैं, शुभ अशुभ में विश्वास रखते हैं, तो गृह प्रवेश से पहले पूजा जरूर कराएं। आपको आज मैं बताऊंगी दोस्तों, गृह प्रवेश कितने तरीके के होते हैं और कैसे आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश तीन प्रकार के बताए गए हैं, अपूर्व गृह प्रवेश, सपूर्व गृह प्रवेश और द्वांधव गृह प्रवेश। जब पहली बार बनाए गए घर में प्रवेश किया जाता है तो अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। जब किसी कारण से व्यक्ति अपने परिवार सहित प्रवास पर होता है और अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है, तब दोबारा वहां रहने के लिए जाते हैं तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। जब किसी परेशानी या किसी आपदा के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय पश्चात दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो द्वांधव गृह प्रवेश कहलाता है। तीनों ही स्थितियों में दोस्तों गृह प्रवेश पूजा का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है गृह प्रवेश पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, नए घर में प्रवेश करने से पूर्व ये बहुत आवश्यक है कि अपनी श्रद्धा और पवित्रता को बनाए हुए हम पारंपरिक विधि विधान से अपने नए घर में जीवन की शुरुआत करें। नया घर हर व्यक्ति का एक सपना होता है और यदि शुभ मुहूर्त में नए घर में प्रवेश किया जाए तो पूरे परिवार को सुख और कल्याण देने वाला साबित होता है। सबसे पहले शुभ तिथि, वार, माह, नक्षत्र, ज्योतिष और पंडितों की सलाह पर गृह प्रवेश करें। परिवार को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक सब तरह के फायदे मिलते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भारतीय प्राचीन पद्धति के अनुसार फागुन, वैशाख एवं श्रावण माह गृह निर्माण हेतु भूमि पूजन तथा शिलान्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ महीने हैं, जबकि माघ का महीना ज्येष्ठ, भाद्रपद और माघ शीष के महीने मध्यम श्रेणी के आते हैं। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चैत्र, आषाढ़, अश्विन तथा कार्तिक मास में गृह प्रवेश का कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार एवं नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि पंडित के साथ निकलवा लें, समय निकलवा लें। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे ब्राह्मण की सहायता लें और जो विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण कर गृह प्रवेश की पूजा को आपको संपूर्ण करा सके। दोस्तों, सप्ताह के मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें आप। विशेष परिस्थितियों में संडे और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है, अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर। शुक्ल पक्ष के 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। पूजन में सामग्री आपको क्या क्या लेनी है बता देती हूँ। दोस्तों, एक कलश ले लें, नारियल ले लें, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, 5 कपड़े रख ले किसी सुहागन स्त्री या ब्राह्मण को देने के लिए, आम या अशोक के पत्ते,
पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध इत्यादि। दोस्तों पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों सिर पे कलश लेकर के घर में प्रवेश किया जाता है, ये ध्यान रखें घर को पहले बंधनवार, रंगोली, फूलों आदि से सजा लेना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भर के उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच में नारियल को रख लें। पंडितों के निर्देश पर कलश व नारियल पर कुमकुम, रोली, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और नए घर में प्रवेश के समय 5 मांगलिक वस्तुएं जैसे नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल और दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश जी की मूर्ति, अपने इष्ट देव की मूर्ति, शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में जरूर ले जाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि पुरुष पहला दाहिने पैर तथा स्त्री बायां पैर बढ़ाकर घर में प्रवेश करती है। कलश को सिर पे लेके घर में प्रवेश के बाद गणपति का ध्यान करें और गणेश मंत्र के साथ घर के ईशान कोण कौन सा हुआ, जहां उत्तर पूर्व दिशा मिलती है, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस के घर या मंदिर में स्थापित कर दें। कलश को थोड़े चावल रखकर उनपे स्थापित करना चाहिए। दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख अगर हो आपके घर में तो आपको जरूर लेकर के जाना है। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। चूल्हा, इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने का स्थान, स्टोर रूम आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन करके स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। रसोई में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उफानना चाहिए और मीठा बनाकर और रोटी, किसी के घर पे रोटी बनाते हैं दोस्तों तो मीठा और रोटी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, इसके बाद गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी, उनके अपने पितर, उनके आदि निमित्त भोजन निकाल के रखें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और कपड़े दें। किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा सके तो जरूर कराएं दोस्तों। इसके बाद जो घर के जेंट्स हैं सबसे पहले उनको भोजन कराएं। किसी घर में पत्नी को सबसे पहले भोजन कराते हैं उसको लक्ष्मी का रूप देके, तो आप आज के जमाने के हिसाब से दोनों साथ बैठ के भोजन करें दोस्तों, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अपने परिवार सहित सबके साथ भोजन करने के बाद ब्राह्मण को विदा कर दें। मान्यता ऐसी है दोस्तों वास्तु निवारण करना चाहिए। आपको मैं बता दूं गृह प्रवेश के पहले वास्तु की शांति जरूर करना चाहिए। वास्तु शांति कराने से भवन की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है, तभी घर शुभ प्रभाव देता है जिससे जीवन में खुशी व सुख समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंगलाचरण सहित वाद्य ध्वनि करते हुए कुल देव की पूजा व बड़ों का सम्मान करके और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके गृह प्रवेश करना चाहिए। जब भी नया घर लेते हैं तो सबसे पहले वास्तु दोष देख लेते हैं, कुछ ना हो। अगर वास्तु दोष होता है तो पहले वास्तु शांति करा लें जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों वास्तु का अर्थ तो आपको पता ही होगा, मनुष्य और भगवान के साथ रहने का स्थान, इसको हम वास्तु कहते हैं। वास्तु शास्त्र मुख्य तत्वों के द्वारा निशुल्क देने में आने वाली लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। 5 मुख्य तत्व होते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। दोस्तों वास्तु शांति के लिए शुभ दिन आपको मैं बता दूं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार है। शुभ तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। शुभ नक्षत्र है अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, उत्तर फागुनी
उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाति, अनुराधा एवं मधा। दोस्तों अन्य विचार कर लेना चाहिए, जैसे भद्रा है कि नहीं है, लग्न शुद्धि, चंद्रबल आदि का। वास्तु शांति की विधि में स्वस्ति वचन, गणपति स्मरण, संकल्प, श्री गणपति पूजन, कलश स्थापन और पूजन, पुनः वचन, अभिषेक, शोडे शमातेर का पूजन, वसोधेरा का पूजन, ओशैया मंत्र जाप, नांदेश्वर आदि आचार्य आदि का वेरन, योगने पूजन, छत्रपाल पूजन, अग्नि स्थापन, नवग्रह स्थापन और पूजन, वास्तु मंडला पूजन और स्थापन, गृह हवन, वास्तु देवता होम, बलिदान, पुनराहुति, त्रिसूत्र वस्तेन, जल दुग्धारा और ध्वजा पताका स्थापन, गतिविधि, वास्तु पुरुष प्रार्थना, दक्षिणा संकल्प, ब्राह्मण भोजन, उत्तर भोजन, अभिषेक, विसर्जन उपयुक्त वास्तु शांति पूजा के हिस्सा है। दोस्तों वास्तु पूजा आप करा सकते हैं, अगर आपको लगता है ये किसी अच्छे पंडित से कराएं, खुद से ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत मंत्र उच्चार है और बहुत अच्छे से करना होता है। आपको मैंने गृह प्रवेश की विधि बता दी है। अगर वास्तु पूजन नहीं कराना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने आप भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। वंस अगेन दोस्तों आपको नए घर की बहुत बहुत बधाइयां, भगवान सुख सम्मति बनाए रखे, आपका नया घर आपके लिए बहुत ही शुभदायक और फलदायक हो। आपके नए जीवन की मनोकामना, खुशी जीवन की मनोकामना के साथ बहुत सारा ढेर ढेर आशीर्वाद दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज वीडियो के नीचे लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। अगर आपके कोई दोस्त या कोई फ्रेंड या फैमिली गृह प्रवेश करने वाले हैं, तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली टू मोबाइल। उसके लिए आपको तीन सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में तीन चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।